आज गोविंदपुर प्रखंड सभागार में GPDP अर्थात ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम सबकी योजना सबका विकास के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत संसाधन दल का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड समन्वयक आदि के द्वारा पंचायत संसाधन दल के सदस्यों को GPDP 2021-22 के तहत पंचायतों में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा योजना और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत पंचायतों में ग्राम सभा करके लिए जाने वाले योजना के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, मरीचो पंचायत के GPDP फैसिलेटर अंजू कुमारी के अलावा विभिन्न पंचायतों के महिला स्वयं सहायता समूहों के GPDP फैसिलेटरों, मनरेगा मेट आदि की उपस्थिति हुई और पंचायतों में धरातलीय स्तर पर विकास कैसे हो इस विषय पर सभी महिला सदस्यों के द्वारा अपनी अपनी विचार और दिशा निर्देश दी गई। नमस्कार, मैं अंजू कुमार हूँ। पंचायती राज विभाग के निर्देशन अनुसार आज धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड के प्रथम समागम में आपका सबकी योजना सबका विकास के तहत कुछ प्लान के अंतर्गत जो है तो पंचायत संसाधन दल का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें पंचायत का विकास वास्तविक स्तर पर कैसे हो सकता है, हमारे पंचायत में क्या क्या जरूरत है और विस्तार पूर्वक जो है जो पंचायत संसाधन दल है वही जो प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सदस्यों को उसे प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वितीय होगा और इस जो आगामी जो पंचायत में 15वां वित्त आयोग मनरेगा और अपना स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या योजनाएं दी जा सकती है उसको धरातल पर कैसे लाया जा सकता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया।